कैसे हैं मित्रों, राम राम। आज बात करेंगे OnePlus 11 की। OnePlus 11 का रेट काफ़ी कम हो गया है और जिस प्राइस पे अभी ये फ़ोन मिल रहा है वो इसको एक परफेक्ट ऑप्शन बना देता है। इसमें एक फ्लैगशिप के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये लॉन्च हुआ था 56,000 में, बट अभी OnePlus 12 के लॉन्च होने के बाद इसका रेट 10,000 के अप्रॉक्स कम हो गया है और अभी इसका रेट है 46,000 के आसपास। तो हमेशा की तरह इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे वीडियो के एंड होते तक आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये फ़ोन आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है आशीष, चैनल का नाम है स्मार्टफोन टॉक। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स में सबसे पहले आता है डिजाइन। OnePlus 11 का लुक एंड इन हैंड फील ऑसम है। इट इज एब्सोल्युटली लवली एंड ग्रेट। कैमरा मॉड्यूल भी अच्छा है। बेसिकली ये परसेंट टू परसेंट वेरी करता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं। फोन का ग्रिप भी काफी कंफर्टेबल है। ये अपने अदर कॉम्पिटिशन से काफी हल्का एंड वेल बैलेंस्ड है। फ्रेम मेटल का आता है, बैक साइड गोरिल्ला ग्लास 5 है और फ्रंट साइड गोरिल्ला ग्लास 50 है। पतला सा स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड रहता है। सो डिजाइन इज सॉलिड एंड प्रीमियम। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आता है प्रोसेसर। OnePlus 11 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 आता है, जो कि पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर था। LPDDR5X रैम आती है। इसके 128GB वाले वेरिएंट में UFS 3.1 स्टोरेज आता है और 256GB वाले वेरिएंट में UFS 4। इस प्रोसेसर में आप इजीली स्मूथ गेमिंग कर सकते हो इन द हाईएस्ट सेटिंग्स। OnePlus ने कहा है कि आप इनके 16GB वाले वेरिएंट में आप एक साथ 44 ऐप रन कर सकते हो। सुपर फास्ट ऐप ओपन एंड क्लोज, स्क्रॉलिंग, गेमिंग, डे टू डे टास्क, एवरीथिंग इज जस्ट स्मूथ एंड फाइन। सो परफॉर्मेंस वाइज इट इज फैंटास्टिक। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है डिस्प्ले। OnePlus 11 में 6.7 इंच की 2K कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। LTPO 3.0 टेक्नोलॉजी आती है, जिससे रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज में शिफ्ट होता रहता है यूसेज के हिसाब से। डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। डिस्प्ले इज ऑसम, बेजल्स आर एब्सोल्युटली थिन। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। सनलाइट में विजिबिलिटी भी ठीक ठाक है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता है, जिसको आप अपने नीड के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो और ये केवल 1 हर्ट्ज पे चलता है, तो ये बिल्कुल नॉमिनल से बैटरी कंज्यूम करता है। सो द डिस्प्ले डिपार्टमेंट इज ऑल्सो ग्रेट। चौथा पॉजिटिव पॉइंट आता है बैटरी। OnePlus 11 में 5000mAh की बैटरी मिलती है विद 100W फास्ट चार्जिंग। इसके बॉक्स में ही 100W का सुपर वूक चार्जर मिल जाता है, जो कि फोन को 0 से 100% 25 से 30 मिनट में चार्ज कर देता है। अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप भी मिल सकता है और हैवी यूसेज में मोर देन 1 डे का आराम से मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ पावर एफिशिएंट 8 Gen 2 एंड द LTPO टेक्नोलॉजी। स्क्रीन ऑन टाइम 8 आवर्स का आराम से मिल जाता है और अगर आप सब कुछ हाई सेटिंग्स पे रखते हो तो 6 आवर्स का। और इस फोन का आइडियल ड्रेन 2 से 3% है। सो द बैटरी डिपार्टमेंट इज ऑल्सो ग्रेट। OnePlus 11 ऑक्सीजन OS 13 के साथ आता है, जो कि बेसिकली कलर OS ही है, बट यहाँ इसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलते। क्लीन एक्सपीरियंस होता है। इसमें आपको 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। ये एंड्रॉइड 13 पे आता है, सो विद द अपडेट से एंड्रॉइड 17 तक जाएगा। सो अगर अभी आप इसे लेते हो तो 2027 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में। तो ये भी इसका एक सॉलिड प्लस पॉइंट बन जाता है। अब बात करें कैमरा की, तो OnePlus 11 में 50MP का मेन सेंसर आता है विद OIS, 48MP का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 32MP का टेलीफोटो लेंस 2x ऑप्टिकल जूम के साथ। दिस सेटअप टेक्स फैंटास्टिक फोटोज विद द हेल्प ऑफ हैसलब्लैड। डायनामिक रेंज इंप्रूव हुई है। इसके अल्ट्रा वाइड सेंसर में ऑटो फोकस मिलता है, सो यू कैन टेक बेटर मैक्रो फोटोज विद दिस। एंड फ्रंट में भाई सोनी का 16MP का सेंसर आता है, जो कि हमेशा से सेल्फी के लिए आता रहा है। इट परफॉर्म्स गुड। वीडियो 8K 30fps एंड 4K 60fps तक शूट कर सकते हैं बैक कैमरे से, बट फ्रंट कैमरा अभी भी 1080p पर ही लॉक्ड है। हैसलब्लैड की ट्यूनिंग मिल जाती है, प्रो मोड मिल जाता है, सो द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा इज सुपर्ब। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आता है, फेस अनलॉक का भी सपोर्ट है, दोनों फास्ट काम करते हैं। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इज ग्रेट। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, जिनकी साउंड क्लैरिटी ऑसम है। डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी विजन दोनों का सपोर्ट है। यू कैन सी HDR कंटेंट इन नेटफ्लिक्स ऑल्सो। कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शन आते हैं। 5G के 13 बैंड्स आते हैं, 5G, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.3, डुअल 4G VoLTE, NFC, ये सब आते हैं। और OnePlus वालों ने ऐसा कहा है कि इसके Wi-Fi 6 को वो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू Wi-Fi 7 में अपग्रेड कर देंगे। तो ये तो हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। लेकिन उससे पहले, अगर आप अभी तक मुझसे कनेक्टेड हो तो चैनल सब्सक्राइब करके इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट मेरे लिए आपका एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। कोई भी IP रेटिंग नहीं है, ना वायरलेस चार्जिंग है। इस प्राइस पॉइंट में आप और हम ये तो एक्सपेक्ट करते ही हैं। ऑक्सीजन OS पूरी तरह से कलर OS बनता जा रहा है, जो कि OnePlus को एक यूनिकनेस दिया करता था। बैक कैमरा तो इंप्रूव हो गया, बट फ्रंट कैमरे का क्या? पिछले 3-4 जनरेशन से OnePlus सेम 16MP का कैमरा यूज करता आ रहा है।
भाई उसको भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नाइट मोड एंड पोर्ट्रेट मोड में भी थोड़े इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। ब्राइटनेस केवल 1300 निट्स है, इसको थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था। और अगर आप फ्रंट कैमरा यूज करते हो सेल्फी या व्लॉगिंग के लिए तो फिर ये फोन आपके लिए नहीं है। बैक कैमरा इज गुड बट फ्रंट कैमरा इज नॉट। तो ये सारी कमियां मुझे लगी हैं इस फोन में। इसके दो वेरिएंट आते हैं 8128 एंड 16256। 8128 आता है 45,999 रुपए में और 16256 आता है 50,999 रुपए में। और कुछ कार्ड का ऑफर लगा लेंगे तो 1-2 हजार रुपए और कम हो जाएंगे। जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुआ था वो इसके फीचर्स को देखते हुए ज्यादा था, बट अभी जिस प्राइस पे ये फोन मिल रहा है वो इसको एक ग्रेट ऑप्शन बना देता है। अगर आपको वाटरप्रूफ, वायरलेस चार्जिंग, बेहतरीन सेल्फी कैमरा और ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको बेहतरीन डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर, अच्छा बैटरी बैकअप, टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट्स, एक पावरफुल बैक कैमरा, शानदार स्पीकर्स, ये सब मैटर करता है तो डेफिनेटली आप OnePlus 11 ले सकते हैं। तो ये थे OnePlus 11 के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड को कोई फोन लेना है और उसका बजट 40-50,000 है तो डेफिनेटली आप ये वीडियो उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।